शहर में आए दिन बाइक चोरी हो रही है। आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें चोर ने चोरी तो की, ऊपर से सीना जोरी भी दिखाई। मामला है पानीपत के एक निजी अस्पताल का, जहां पर एक बच्ची का इलाज करवाने आया एक शख्स जब अस्पताल के बाहर बाइक खड़ी करके अंदर गया तो इतनी ही देर में एक बाइक चोर वहां पहुंचा और बाइक को चुरा कर वहां से जाने लग गया। गनीमत ये रही कि जैसे ही चोर बाइक चुरा कर भागा तो बाइक मालिक अचानक अस्पताल से बाहर आ गया और चोर को भागते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, आनन फानन में चोर का उसने पीछा किया और 200 मीटर पर ही चोर को धर दबोचा। चोर को पकड़कर जैसे ही अस्पताल में लाए तो चोर ने अपनी सफाई में कहा कि उसकी भी बाइक ऐसी ही दिखती है, उसने धोखे में ये बाइक लेकर जा रहा था। लेकिन मौके पर चोर के पास एक मास्टर की यानी कि एक चाबी भी बरामद हुई, जिसको दूसरी बाइक में जब लगाकर देखा गया तो चार और बाइकों में चाबी लग गई और ना ही चोर की दूसरी बाइक मौके पर मौजूद थी। मौके पर पकड़े जाने पर बाइक चोर को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने अपने साथियों को अस्पताल में बुलाकर अस्पताल में ही असली बाइक मालिक के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप ये सीसीटीवी तस्वीरें देखिए, जिसमें कैसे चोर ने पहले तो चोरी की और बाद में जब वो पकड़ा गया तो उसने सीना जोरी दिखाई और जो असली बाइक मालिक था उसके साथ मारपीट की। ये था, हम अपनी बच्ची को आवासन हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा था, उसके इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए थे। बच्ची अंदर रो रही थी, हमको धरती बाहर खड़े हो गए। एक लड़का बाइक लेके भाग लिया हमारी, हमने पीछे भाग के उसको बाइक को 200 मीटर जाके आगे पकड़ लिया, उसको पकड़ के वापस ले आए। उसने वहाँ पे हमने बोला बाइक कैसे उठाई, बोला मेरी है, पहले बोला मेरी है, फिर बोला मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, मैं धोखे में ले आया। हम बोले चल तेरी बाइक वहाँ खड़ी होगी फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन करके तो चोरी ले आया। बोला नहीं मेरी बाइक खड़ी है। वहाँ आने के बाद बाइक नहीं मिली उसकी, उसने और अपना पापा बुला लिया और हमारे साथ मारपीट शुरू कर। कैसे पकड़ा गया, कैसे पता चला आपको? हम यहीं खड़े थे, बाहर खड़े थे, हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, वो फुटेज में मौजूद है, जैसे हम खड़े थे, जैसे उसने बाहर से आया है, रोड से आया है, रोड से आके उसने बाइक को उठाया। पुलिस में शिकायत दी? आप पुलिस में शिकायत दी? चाबी भी बता रहे हो आप? हाँ चाबी भी है, मौजूद है मौके पे, चाबी मास्टर चाबी है ये, उस टाइम पे लगा के देखी, चार बाइकों को ये चाबी लगती है, लॉक खोलने के लिए मौजूद है ये, अभी ये इसी चाबी से उन्होंने बाइक उठा के भागा। वो ये बता रहा था उसकी भी बाइक मिली यहाँ पर? नहीं मिली, उसकी बाइक थी नहीं, तो चोरी के मकसद से था। आपके साथ क्या क्या मारा आपको? हेलमेट मारा, हमारा फुटेज में मौजूद है हेलमेट मारता हुआ। कहाँ पे मारे हेलमेट आपको? सिर में भी लगे, मुंह पे भी लगे, निशान पड़े हुए हैं सब सब जगह, ये सिर में फूटा हुआ सब, यहाँ होठ पे भी लगा, मुंह पे भी लगा, ये लगा हुआ है। कहाँ पे थे आप उस समय? उस समय अंदर हॉस्पिटल के अंदर? हाँ अंदर ले गए थे, उसके बाद डॉक्टर साहब से मिलाएंगे तेरे को, भाई क्या बात है क्या नहीं है। मारपीट में पीड़ित पक्ष को काफी चोटें भी आई हैं। फिलहाल परिजनों की माने तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को कर दी है। अब देखना होगा कि मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई अमल में लाती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर, कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।